Assalamu alaikum dear students, in this video I will tell you how to solve your online assessment through your mobile phone. For solving assessment from your mobile phone you need two devices. One device is for Zoom operation and the device is for Edmodo operating and to solve your problem. In the first device, the one mobile, what you have to do, you have to open your Zoom application. And join a meeting. You will join a meeting by using the meeting ID which has been provided to you along with your timetable. For example, this is your meeting ID. Write down your name on the same format, जो format मैंने आपको बताया हुआ है. Your voucher number, if you have your voucher number, write your voucher number. If you don't have, no need to worry, do not need to write your voucher number. Write your name, for example your name dot TSS and mention your campus. If you are from campus 1, write campus 1, and if you are from campus 2, write campus 2 here. मीटिंग ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, कैमरे अपने मोबाइल को ऐसे सेट कर देना है कि उस कैमरे की एंगल आपकी तरफ हो और आप जो पेपर सॉल्व कर रहे हो कैमरे में बहुत क्लियर नज़र आ रहा हो. ये आपने एक मोबाइल से काम करना है. उसके बाद आपने मोबाइल को जो है वो साइड पे सेट कर देना है. नाउ टेक योर सेकेंड मोबाइल फ़ोन एंड ओपन द एडमोडो ऐप इन योर फ़ोन. राइट डाउन योर आईडी एंड पासवर्ड हियर. Okay, login. Enter in your class and you will find the paper here. ठीक है, जो आपका अपना पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये पेपर आपको बिल्कुल जो आपके एग्जैक्ट टाइम है अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल उस टाइम पे पोस्ट हुआ हुआ होगा और ये सिर्फ हाफ एन आवर के लिए होगा. आफ्टर हाफ एन आवर ये डिलीट हो जाएगा. वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक. A window will appear. Okay. Now here you must have to sign with your Gmail ID. अब आपको यहाँ पर अपने Gmail ID से sign in करना है. जो भी आपकी Gmail ID है, write your Gmail ID here. For example, your ID password, click on sign in. ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आप जब इस पर साइन इन कर लेंगे तो आप एक ही दफ़ा इस पेपर को एक आईडी से एक ही दफ़ा सॉल्व कर सकते हैं. आप इसको बार बार सॉल्व नहीं कर सकते. तो मेक श्योर कि आपने बहुत क्लियरली, आपके पास 30 मिनट्स हैं, बहुत सोच समझ के आपने हर चीज़ फिल करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल योर ईमेल एड्रेस, वो वाला ईमेल एड्रेस आप डाल दीजिएगा जो वैलिड हो, लाइक आपका जो आपने गूगल क्लासरूम के लिए बनाया है, आप वो ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं इसमें. ठीक है, योर नेम, जो जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है, योर कैंपस, ठीक है, और डेट. एम मीन्स आपका मंथ, कौन सा मंथ चल रहा है, 7 मंथ है. डी मीन्स आपका डे, जो आज जो भी जिस दिन पेपर वाले दिन जो डेट होगी वो आपने डालनी है. आज 29 है, ठीक है, और उसके बाद ईयर, दैट इज़ 2020, ये आपने फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है. आफ्टर क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट यू कैन सी दैट यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए. यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस एंड टेक द करेक्ट आंसर. After taking the correct answer, click on next. आप देखते जाएंगे आपके पास जो है वो नंबर भी मेंशन हुए हैं कि कितने मार्क्स का है. ठीक है,
इस तरह से आपने आंसर्स भी लिख सकते हैं, इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव आंसर भी इसी में आ गए, सब चीज़ें आप इसी के अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पे आपका पेपर फिनिश हो गया। जब आपका पेपर फिनिश हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शन आएगा सबमिट का, यानी आप सबमिट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू अ कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्सेज यू कैन ओपन इट हियर, इफ़ यू डोंट वांट देन डू नॉट ओपन हियर। क्लिक ऑन सबमिट बटन, सम टाइम इट विल आस्क फॉर वेरीफिकेशन, गूगल कभी कभी वेरीफिकेशन मांगता है। ठीक है, आफ्टर वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे से सबमिट हो गया। अब आप अपने स्कोर भी यहाँ से देख सकते हो। स्कोर देखने के बाद आप ये भी देख सकते हो कि आपने क्या गलत किया है और क्या सही किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप आराम से चेक कर सकते हो। ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको जो है वो बंद करना है अपना इस गूगल क्रोम को। देखिए, अब उसके बाद आप अगेन अपने एडमोडो पे जाइए, इसको यहाँ से क्लोज करके। ठीक है, और यहाँ कमेंट में आप लिख दीजिए, टीचर आई हैव डन माय वर्क। ये तो आपका एक हो गया। अब इफ़ यू वांट टू राइट द आंसर ऑन द पीस ऑफ पेपर, अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप ऑनलाइन फिल ना करें, आप कुछ आंसर्स जो हैं वो अपने पास आंसर लूज शीट पे आंसर लिख के देना चाह रहे हैं, या आपको चीज़ जो ऐसी है जो आपको जो है वो पेपर पे सबमिट करवानी है, तो यू हैव यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंस्टॉल एन एप्लीकेशन नेम द कैम स्कैनर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस। ये आपको आराम से गूगल क्रोम वो गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। कैम स्कैनर को आप सर्च करें, दिस वन इज़ द कैम स्कैनर ऐप। ठीक है, ये कैम स्कैनर है, या तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए या आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस को डाउनलोड कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट लेंस, दिस वन, दोनों में से आप कोई सा भी आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, आपके पास आपके मेन्यू बार में आ जाएगा, दिस इज़ द ऑफिस लेंस। आप इससे पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। इससे ये होता है कि जब आपने आंसर शीट पे आपने आंसर सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप उसकी पिक्चर लेना चाह रहे हैं, तो वो बहुत क्लियर आती है। मैं आपको यहाँ पे एक सैम्पल दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपने आंसर लिखा पेपर पे, अब नाउ यू वांट टू सबमिट दैट आंसर, तो आप इसकी पिक्चर क्लिक कर लें लाइक दिस। ठीक है, अब क्या होगा, थोड़ा सा वेरिफिकेशन लेगा, थोड़ा सा, बस टू से थ्री सेकेंड्स ही लेगा। उसके बाद आपने अपने पेज को पूरा फोकस करना है। ठीक है, फोकस करने के बाद उसको कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद आप ये देखें आपके पास कितनी क्लियर पिक्चर आई है, हर चीज़ लिखी हुई क्लियर आ रही है। आप इसको डन कर दें। डन करने के बाद ये गैलरी में सेव हो जाती है। ये ऑप्शन पूछता है आपको, वैसे कहीं भी सेव कर सकते हैं, ये गैलरी में आपके पास सेव हो गई। ठीक है, ये आपके पास सेव हो गई। या इस तरह से आप ऑफिस लेंस को यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू यूज़ द कैम स्कैनर, अगर आपको कैम स्कैनर यूज़ करना है, तो दिस इज़ द कैम स्कैनर ऐप। सिंपल आपने क्या किया, इसको डाउनलोड किया अपने मोबाइल में, इसको ओपन करें आप, ये कैमरा बना हुआ आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें और आप सिंपल इसकी जो आपका आपकी आंसर शीट है आप उसकी पिक्चर ले लो लाइक दिस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इधर भी सेम प्रोसीजर है कि आपको जितना पेपर पे आपका काम है, जितना आप शो करना चाहें उतना फोकस कर लें, ये उतने को फोकस करके क्लियर कर देगा। उसके बाद आप इसको टिक करें और ये आप जो है फिर इसको सेव टू गैलरी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपके पास सेव हो गया, आप अगेन अपनी एडमोडो ऐप पर जाइए। अब अगर आपने वो पोस्ट करना है जो पिक्चर आपने ली है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अटैच फाइल कर दें, सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी इमेज, गैलरी में आपके पास आ गई होगी। ठीक है,
ये रही, आपने यहाँ से इसको अपने आंसर को अटैच कर दिया यहाँ पर और इसको पोस्ट कर दिया, ठीक है। आफ्टर इस तरह से आप जो है वो ईज़िली अपना पेपर जो है सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।